हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राची वर्ल्ड। आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम लोग आ गए थे कपड़ा लेने के लिए, अनुष्का के लिए नाप रहे थे क्योंकि लड्डू के स्कूल में समर कैंप स्टार्ट हो रहा है और मैम ने बोला उसको कुछ टी शर्ट वगैरह टाइप का लेने के लिए। तो मेन पर्पज़ था कि चलो लड्डू और छुटकी का तो एक दो ही लेना था, तो एक ही कपड़ा छुटकी का लिया। लेकिन अनुष्का के लिए भी सोचा कि चलो होली पे ले लेते क्योंकि हमारे घर वाले भी होली दिवाली पे लेते थे। तो मैंने सोचा कि उसके तो जो भी मतलब उसको मन करता है वो मेरे से ही बोल पाती है, तो इसीलिए मैंने बोला कि चलो ले लेते हैं। यहाँ जाके मैं जीन्स देखी, वो अनुष्का के लिए ही देख रही थी मैं। फिर मुझे एक जीन्स पसंद आया तो लड्डू के पापा ने बोला कि उसका जो साइज़ है ना वो छोटा है, जीन्स ये नहीं आ पाएगा। तो मैंने बोला कि यार क्या किया जाए। फिर ये वाला जीन्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया तो ये मैं लेके गई। इसका जो एक्चुअल प्राइस था वो 3000 कुछ ऐसी था, 3600। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं है, यहाँ मैं प्राइस ही चेक कर रही थी। बट फिर उसके बाद से मैं गई देखी और ये साइज़ एक्चुअली छोटा था, तो सेम इसी में का बड़ा साइज़ हमने लिया। और लड्डू के लिए भी फटाफट से लेके हम लोग यहाँ से निकल रहे थे। तो लड्डू के पापा ने बोला कि दो मैं एक बार दिखा दूँ क्योंकि तुम तो व्लॉगिंग करती हो तो आधा छोड़ देती हो आधा दिखाती हो। हम लोग शॉपिंग करने आए लेकिन क्या शॉपिंग की ये तुम दिखाओगी नहीं। तो मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं जब लेके आती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ। यहाँ मैं लड्डू को पूछती थी ये कौन है, तो वो बोल रहा था बेबी बेबी है। और इतने क्यूट क्यूट बेबीज़ के पिक्चर्स थे ना कहीं कहीं पर, तो बोल रहा था कि छुटकी है मम्मा छुटकी है। तो यहाँ पर मैं मतलब लड्डू के पापा कपड़े वपड़े दिखाने लग गए थे। तो ये वाला कपड़ा हमने लिया अनुष्का के लिए जीन्स, और ये वाला शर्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। पीछे लड्डू वॉइस ओवर में जो काउंटिंग कर रहा था बहुत अच्छा लगा, इग्नोर कीजिएगा। लड्डू के पापा तो थोड़ा आगे पीछे हो भी रहे थे बट फिर भी मैं ये शर्ट पसंद आया था। मुझे एक्चुअली इसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद आया था। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। ये छुटकी के लिए हम लोगों ने लिया है, ये काइंड ऑफ अंडर गारमेंट्स बोल सकते हैं आप, अंडर गारमेंट्स भी नहीं मतलब कि जो एक रोम्पर आता है ना अंदर पहनने के लिए, तो वैसा था। ये लिया हमने होली पे पहनने के लिए उसको, और ये उसके अंदर का है। तो ऐसे ही कुछ हमने लिया क्योंकि वो फ्रॉक वगैरह पहनती है ना तो नीचे से उठता है तो बहुत अजीब लगता है। तो ये जो रहते हैं ना नीचे से लॉक वाले रहते हैं, चिटचैट वाले बटन वाले रहते हैं। फिर बारी थी लड्डू की, तो लड्डू की तो बहुत सारे कपड़े आए क्योंकि उनको समर कैंप के लिए भी जाना है एंड उनके कपड़े सारे ऑलमोस्ट छोटे हो गए। और सबसे ज़्यादा जो कपड़े का इस्तेमाल होता है वो लड्डू का ही होता है बिकॉज वो एकदम कपड़े पहन के इधर उधर मिट्टी इधर उधर सब करते रहते हैं। तो यहाँ लड्डू के लिए कपड़े हमने ले लिए और उसके बाद हम लोग फटाफट से निकले। तो यहाँ पे हम लोग निकल गए, कपड़े को लड्डू के पापा ने पैक वैक कर लिया क्योंकि बिलिंग करानी थी और बहुत ज़्यादा ही लंबा लाइन था, तो फिर लाइन में लग करके जल्दी से बिलिंग किया। यहाँ मेरी छुटकी को आप देख सकते हैं काजल लगा करके एकदम मस्त चकाचक, और ये इन लोगों का हेयर कट हुआ था। आगे क्यों कटवाया ऐसे लड्डू? हम कुछ बोले हैं जी जरा, तो इसका बाल ऐसे हो गया है। ऐसे हो गया तो बोल रही थी ना कि मांग बीच में फाड़ती है, ये बीच में कौन फाड़ता है? बीच में फाड़ती है, बीच में नहीं फाड़ती है। नहीं तो ये बोलिए ना अभी बीच में मांग फाड़। सो फाइनली बनिया खिला लो फ्रेंड्स लाइक अपनी आराम से खाएगी, खा जाओ आराम से। उतना नहीं खाती वो, थोड़ा सा तुम भी खा लो अनुष्का। बोलो तो बोलो वीडियो में। यहाँ पे मैं बनाई हूँ शेक सबके लिए। हेलो, फाइनली अभी हम लोग आ गए हैं डोमिनोज क्योंकि मन सा नहीं था, मन था पिज्जा ही खाने का। मन हमको दिन में ही चौको लावा केक का था तो आज खाएंगे एकदम भरपूर मस्त। क्या लड्डू? बहुत सारा पिज्जा और हम लोग घर भी लेके जाएंगे क्योंकि बाइक पे हम लोग इतने सारे नहीं आ सकते थे, और ये घर के पास नहीं है पर ट्रैफिक पुलिस होता है। तो लड्डू के हेयर कट कैसा लग रहा है? खाएगी इसको, मैं पिज्जा खाऊंगा, खाएगी इसको नहीं। हाथ दो अपना। क्यों? एक बार लेगा अगर पीते खा रहे हैं। और कैसा लग रहा है?
फिर यहाँ पे लड्डू के पापा लेके आ गए थे पिज्ज़ा, जिसमें एक था अनुष्का का, एक था देवा के लिए, एक लड्डू के लिए, एक हमारे लिए। तो मतलब ऐसा था कि चार पिज़्ज़ा हमने ऑर्डर किया था, जिंगी पार्सल और एक चॉकोलावा केक। चॉकोलावा केक मुझे बहुत ज़्यादा ही खाने का मन था। तो यहाँ हम लोगों ने तीन पिज़्ज़ा में खाया और एक पिज़्ज़ा अनुष्का के लिए लेके गए हम लोग, बिकॉज़ अनुष्का को सब कुछ पसंद नहीं आता है। हमें गोल्डन कॉर्न पसंद आता है और उसको कैप्सिकम पसंद आता है। तो यहाँ पे हम लोग कैप्सिकम और ऑनियन और चीज़ कॉर्न खाए, और यहाँ पे अनुष्का के लिए हम लोगों ने ले लिया था ऑनियन, फिर एक जिंगी पार्सल भी। तो जल्दी से यहाँ पे खाना पीना खाए हम लोग और खाना वगैरह खा के निकले हम लोग। और जिंगी पार्सल मेरा फेवरेट है, मुझे एक्चुअली पर्सनली चॉकोलावा केक खाना था तो आए थे। जिंगी पार्सल में सब लोगों ने हाफ हाफ करके खा लिया, क्योंकि पिज़्ज़ा से ही सबका पेट भर जाता हमें पता था। क्योंकि सबसे पूछ पूछ के ऑर्डर हुआ था, देवा ने बोला था कि पिज़्ज़ा खाऊँगा, उनको नहीं पसंद है उतना जिंगी पार्सल। तो यहाँ पे लड्डू के पापा लेके गए हैंड वॉश कराने, फिर लड्डू भी तोड़ के गया हैंड को वॉश करने के लिए देवा के साथ साथ। और मैं यहाँ पर रिकॉर्ड कर रही थी और साथ ही साथ मैं बात कर रही थी प्रेमू से। यहाँ देवा आ गए दौड़ के हैंड वॉश करके, और उसके बाद से बाकी लड्डू के पापा और लड्डू भी आ गए, और लड्डू दिखा रहा है कि मम्मा मैंने हैंड वॉश कर लिया। फिर उसके बाद से मैंने सर्व किया और हम लोगों ने सब लोगों ने मतलब मिल के खा पी लिया। खा पी के घर पर आया, अनुष्का के लिए लेके आए हम लोग। इसमें जो है ना रेड चिली कि हम लोग खा लेंगे, इसमें जो है कॉर्न जो कि हम लोग का फेवरेट है, हमें लगा था सिर्फ कैप्सिकम होगा, बट हमने रेड चिली वाला ही ऑर्डर किया था। तो अभी ये खा के देखेंगे स्पाइसी होगा तो बच्चे नहीं खाएंगे, स्पाइसी नहीं होगा तो खा देंगे। नहीं है लड्डू खा पाएगा देवा, खाइए खाइए देवा। और यहाँ पे अनुष्का के लिए ले लिया हमने एक पिज्ज़ा और अब चल रहे हैं। चलो बाय बाय। तो गाइस यहाँ पे हो रहा है राइस फ्राई, यहाँ बनाना शेक के लिए दूर रखे थे तो वो बहुत ज़्यादा एक बार जम गया था, और ये अभी बस उठाया हुआ है। यहाँ मैं तैयार कर रही हूँ उपटन। तो ये उपटन ऐसा नहीं है कि मैं आज खुद लगाऊंगी, नहीं, हम लोग सब लोग ही लगाएंगे। सो फाइनली हमारे यहाँ बन रहा है क्या, तो ये हम लोग का सम्मत जब जलता है ना तो ये सब लोग लगा के अपना अपना मैल छुड़ा लेते हैं, उसके बाद से वो एक पेपर में करके चला जाएगा। मैल छुड़ाते हैं सारा अलाय बलाय, जितनी भी नेगेटिविटी चीज़ें या जो भी बुराइयाँ हम में हैं हम जला देते हैं, और आज से फिर नया शुरुआत होता है, यही ना। बिना उसे रंग लगाए जोगी जी वाह जोगी जी, ये फागुन बीत न जाए। हम लगाएंगे ना तो मिर्च है मेरे हाथ में, बाल में लग गया है। हैप्पी होली, मेरा बाल बहुत गोरा हो गया। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। बाल नहीं धोना है, बाल में लगा रहे हैं आप। लगाइए ना, लगाइए लगाइए। कौन है जो मुझे सॉरी 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 सॉरी, आज मेरे वजह से गाइस इनका इतना अच्छा काम हुआ, लेकिन ये मेरे को ही धोखा दे दिया। मेरे टी-शर्ट में लग गया यार हल्दी, मत कीजिए लड्डू। अच्छा मेरा चल गया, चल गया, चल गया। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बन्नी का गोरा बदन दम का। और कितना खुश हो रही है बन्नी। दो दो पेपर, दो बड़ी पेपर। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, बन्नी का गोरा बदन दम का। ले अभी लगाएंगे। अनुष्का मौसी, अनुष्का मौसी, अनुष्का मौसी। ए लड्डू ऐसे आप बहुत ज्यादा रगड़ के लगाते यार, ऐसे मत कीजिए, स्किन छिलता है। अनुष्का मौसी के दांत में लग गया है, दांत पीस के लग रहा है। कोई और होता तो बताते हो। अनुष्का मौसी हैप्पी होली, ये बनिया की तरफ से है। हैप्पी होली, ये पैर भी लो। सो फाइनली शादी में तो उपटन लगा नहीं मेरे, तो अभी उपटन लगवा लेते हैं जिससे शादी हो रही है उसी से।
तो गाइस उबटन लगाते हैं, तो लड्डू को तो उबटन लगा दिया, बट वो पापड़ी यार इनका नाखून ने मेरा उंगली काट गया। और यहाँ फुचकी तो दिखा था, फुचकी पनीर मतलब कि इनके प्लेट से पनीर चुरा के कुछ की खा रही है। किसके प्लेट से? अनुष्का के प्लेट से। ए भाई ये इनसे खाया नहीं जा रहा है, जाओ अपनी कटोरी तेल लेके आओ। तो ये भी मजा आ रहा है, मजा। तुम्हारा शादी होगा, तुम्हारा भी हल्दी लगाया जाएगा, पूड़िया होगी, ये भी सास बनेगी ना जी। अब इसका बेटा होगा, बहू होगी, बेटी होगी, ये सास बनेगी, भी सास बनेगी। हाँ हाँ, मुंह में पनीर दबा के, हाँ पनीर चुभला रही है, देखो ना। यहाँ मैं अपने भी पैर का लगा रही हूँ। वैसे साउथ में तो मोस्टली सब लोग हल्दी से अपना पैर वैर क्लीन करते, तो बहुत सुंदर लगता है मेरे को। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का पैर मतलब अच्छा लगता है, हम लोग तो उतना नहीं केयर कर पाते हैं खुद। मेरी शादी नहीं थी फिर भी हम थोड़ा अपने आप पे केयर कर लेते थे, क्योंकि पार्लर वार्लर रहते थे। लड्डू उठन लग रहा है दीदी का, दिल लगाओ रे, दिल चढ़ाओ रे, अनुष्का का जल्दी से शादी करके भगाओ रे। अनुष्का का पहले पढ़ के अच्छे से सब कुछ पढ़ेगी तब तो सगा। हाँ इसको याद नहीं होगा मेरा। हाँ लड्डू लगता है ना यहाँ पे छोड़ा युद्ध पाल कम हो गया है, देख रही हो? ऐसा है ना कि हफ्ते में एक बार ना, हटो हटो, सही में हफ्ते में एक बार बाल छुड़वा देना, पापा वैक्स कर देंगे एक ही बार, एक महीना का छुड़वा देंगे। पापा, मेरी बेटी बोलती है पापा, शर्मा गई, शर्मा गई क्या? यहाँ जलने वाला है सब मंच, जिसके लिए लकड़ियाँ सजा दी गई हैं। मेरा बाल यहाँ हो चुका है टाइट, क्योंकि यहाँ उबटन लगा दिया लड्डू के पापा ने। पता नहीं ये ईंट क्यों लगा रहे, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। इस घर में लगा तो दिए हैं ना लड्डू, पूरा ईंट लग गया। और यहाँ पे सब मंच जल रहा है, जलेगा तो मैं तो नहीं देखूंगी, मैं चली जाऊंगी। आज पहली बार ऐसा हो रहा है हम लोग के सोसाइटी में हो रहा है। मेरा घर है उधर तीसरा नंबर पे, उधर हम इधर है। और अभी तक तो हमेशा मेरा ये सातवां होली है शादी के बाद, लेकिन एक होली तो जस्ट मेरी शादी के अगले दिन पड़ा था, है ना, 1 तारीख को विदाई हुआ था, 2 को होली था। तो ये 7th होली है, जिसमें से 6 होली तो नौतन ही मना है। एक यहाँ पे है, हमारे यहाँ छपरा में कली है, कली है छपरा में भी है, मुजफ्फरपुर में भी है। नहीं भद्रा नहीं चल रहा है, भद्रा तो अभी समय लगा हुआ है, 11:15 के बाद खत्म हो जाएगा। तो सुबह वाला मानते हैं तो परसों सुबह में नहीं, कुछ है ऐसे कुछ है, आप थोड़ा देखे ना, वृंदावन और सब जगह ये हो गया, परसों हो गया चंद्र ग्रहण की वजह से। हाँ ग्रहण भी है चंद्र ग्रहण की वजह से, यहाँ नहीं दिखाई देगा। अरे इंडिया में आप हैं तो नहीं है।